हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम ई के वाई सी के बारे में। आपको पता ही है कि पेटीएम ने ई के वाई सी अभी कुछ दिनों से बंद कर रखी है, तो अभी इसमें पेटीएम में यानी कि कुछ दिक्कत आ रही है नए कस्टमर को। जो नया अकाउंट बनाते हैं तो उनकी ई के वाई सी के बिगैर पेटीएम में कुछ व्यय कर नहीं पाते। मैंने एक नया अकाउंट बनाया है पेटीएम का, देख सकते हैं इसमें आप। हम ना इसमें पैसे भेज सकते हैं, ना ले सकते हैं, ना पासबुक खुल गया, ना एड मनी खुल सकता, ना पे हम किसी को भेज सकते हैं। बस इसमें मनी ट्रांसफ़र तो हो रहा है, यानी कि बैंक लिंक करके हमें अभी करनी नहीं है, और कोई सा भी इसमें वो नहीं हो रहा जब तक इसमें KYC नहीं होने की है कुछ, यानी कि बुक वुक भी जब तक नहीं। पेटीएम ने अभी कुछ समय पहले कहा है कि जो पेटीएम पहले से चलाते आ रहे हैं और जिन्होंने अपना मिनी पेटीएम की KYC कंप्लीट कर रखा है, तो उनकी KYC चालू करिए अभी फ़िलहाल में। यानी मिनी KYC का मतलब है कि जिन्होंने अपना आधार नंबर डाल के और नाम डाल के सबमिट कर रखा था, तो उनकी KYC चालू हो गई है। नाम और आधार नंबर डालना, यहाँ आपको सर्च करना है KYC। यहाँ KYC डालने के बाद आपको यह दिखाई देगा, अगर आपका यहाँ आधार नंबर और नाम आपको सबमिट हो जाता है तो फिर आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है। यानी कि फिर आप कहीं भी जाके नज़दीक नियर KYC पॉइंट में जाके KYC करा लेते हैं। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ अपना एक ये अकाउंट है मेरे पास, ये किसी का आधार नंबर है, तो देख सकते हैं आप ये एरर आ रहा है। इसमें एरर अभी नए अकाउंटों में सबके लिए है, यानी कि जब तक ये KYC जब भी सबके लिए अलाउ हो जाएगी तो फिर एरर नहीं आने का, फिर आप नज़दीकी कहीं भी जाके करा सकते हैं। तो इस वीडियो में कहने का मतलब ये था कि अभी नए कस्टमर पेटीएम पे नहीं चला सकते, यानी कि KYC नहीं होने की, उनके जो पुराने कस्टमर हैं उनके जो वो हैं मिनी KYC कंप्लीट है, वही अभी पेटीएम चला सकता है। 200 रुपये कैशबैक यानी उसे ही मिलेगा केवल, जो अभी जिसकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि नए कस्टमर के लिए इसमें अभी पेटीएम में कुछ नहीं है। मैंने अभी ये अकाउंट बनाया है, इसमें कुछ नहीं है मेरे। वैसे BC एजेंट हूँ मैं, इसमें देख लेता हूँ मैं BC एजेंट के ऐप डाल के KYC चालू है या नहीं। देख सकते हैं मेरा गोल्डन गेट है BC अकाउंट का है, तो मैं अपने जो अभी अकाउंट बनाया उसका नंबर डाल के देख लूँ, तो देख सकते हैं यहाँ भी अभी एरर दिखाई देगा, क्योंकि तो एक मेरा पुराना अकाउंट है, मैं उस पर देख लेता हूँ क्या दिखाता। आप देख सकते हैं यहाँ से KYC मेरी हो जाएगी पुराने अकाउंट पे, जिस पर KYC हुई नहीं। मैसेज आ गया, मैसेज के थ्रू एक नंबर पर कॉल करूँगा, उस पर एक OTP आएगा, जब आप KYC इस पर हो जाएगी। यानी कि अभी जो नए हाल ही में बनाने वाले हैं उनके KYC नहीं हो सकती, तो अभी वो रुके रहे हैं। यानी कि पहली तारीख में अपडेट आ सकता है पेटीएम की तरफ से कि सभी यूजर के लिए KYC हो जाएगी। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए। हम मैं जब भी अगर KYC जिस दिन चालू हो जाएगी उस दिन एक वीडियो बना दूंगा, जिस दिन सबके लिए चालू हो जाएगी नए कस्टमर के लिए उस दिन वीडियो बना दूंगा। फिर आप कहीं भी करा सकते हैं, हमारे पास भी आके करा सकते हैं। इसमें पेटीएम गोल्डन गेट में मैं BC एजेंट हूँ, मैं खुद KYC करता हूँ अभी फ़िलहाल, उनकी करता हूँ जिनकी मिनी KYC कंप्लीट है, वो फ़ोन करके आते हैं। और बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जिनका पेटीएम में बैलेंस ले लेते हैं, वो उनका फंसा रहता है, ऐड कर लेते हैं। यानी कि वो पुराने वो है वैसे कस्टमर है उनका ऐड करे हुए, मतलब बहुत कस्टमर ऐसे रहते हैं इनका पैसा फंसा रहता है। तो मैं भी उनसे भी अभी मना कर रहा हूँ, मत चढ़ाओ जब तक तुम्हारी कंप्लीट KYC नहीं होती। और मैं पेटीएम वालों से पता करता रहता हूँ यार कब तक KYC चालू होगी, कि मेरे 7 करोड़ की कई की KYC कंप्लीट नहीं है, तो वो मुझसे रोज़ फ़ोन करके पूछते हैं KYC कब तक हो जाएगी। तो जब KYC चालू हो जाएगी मैं आपको एक वीडियो बना के भेज दूँगा, उसमें फिर आप कहीं भी नए यूजर फिर कहीं भी पेटीएम KYC करा सकते हैं अपनी नज़दीकी जाकर पेटीएम KYC पॉइंट पे। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए। हमारा चैनल हो सके तो आपको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए।